हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज डे 13 ऑफ नवंबर एंड अभी 15 हैं, सुबह दोपहर के 15 हो रहे हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव। अभी मेरा एक बार लुक एक बार चेक करो, राइडर वाला बोला ब्लू हेलमेट, ब्लू जैकेट एंड ब्लू शूज, एकदम राइडर वाला लुक आ रहा है कुछ कुछ की आज मैं बाइक राइड करने वाली हूँ और पापा जा रहे हैं मेरे साथ में। अभी हम लोग निकलते हैं, मेरा गाँव यही पास में है, मुंगला पार्क के आगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, अभी ऑलमोस्ट 1:20 हो गया टाइम। मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि बाइक पे हवा लगती है। अभी हम आज अपना पापा चला रहे हैं भाई, और आगे चलकर मैं भी चलाऊंगी। और अभी जो मेरा गांव है ना, वो गटिया डाट के यानी गंगा जी के आगे पड़ता है। तो आज अभी आप लोग एक बार नज़ारा दिखाने वाले अपने गाँव का, और आज आप लोगों को अपना गाँव भी दिखाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर सिटी में रहती हूँ। बट गाँव है हमारा जहाँ पर और लोग रहते हैं, बट मेरी फैमिली यहाँ शायद में जो अपना घर बना हुआ है यहीं पर। अभी पेट्रोल पंप पे आ गए, थोड़ी सी पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। गाइस ये है हमारे यहाँ की गंगा माता जी, बोलो जय गंगा भैया की। पानी इस बार देखो ठीक ठाक है, चढ़ी हुई भी है नदी। और मैं ना हम लोग भी यहाँ पर कल आएंगे गंगा नहाने के लिए। आज सुनिए यहाँ पर आज सुबह देर से कल आएंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो हम लोग, कितना बढ़िया लग रहा है। गंगा जी का व्यू देखो आप एक बार। अभी हम लोग चल रहे हैं गंगा पार के इलाके में, और यहाँ के खेत आप लोगों को दिखाते हैं अपने गांव के। ये देखिए भाई गंगा पार के यहाँ पर खेत तो खाली है सारे, ये देखो। और ये है हमारे गांव की सड़कें। तो यहाँ से अभी बाइक मैंने ले ली है, अब यहाँ से आगे तक मैं चला के जाऊँगी भाई। हेलमेट लगा लिया है, चलो एक बार यहाँ से राइड करके लेके चलते हैं। पापा बैठेंगे पीछे। सो गाइस अभी चल रहे हैं अपने गांव की मेड़ों पर। पापा मुझे अंदर अंदर से होते हुए लेके आए थे, क्योंकि पापा ने बोला चलो अपने खेत भी दिखाते। मैंने ना आज तक अपने खेत नहीं देखे हैं जो गांव में हैं, तो अभी पापा भी खेत दिखाते हुए ला रहे थे। और यहाँ पर बाढ़ का पानी अभी तक भी भरा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है ना, ये पूरा बाढ़ का पानी है। मेरा गाँव पड़ता है तुसौर में, लाइक गंगा पार के जब आप आगे आएंगे राजेपुर पड़ता है, और राजेपुर के अंदर है तुसौर गाँव। सोचो गंगा जी का जो पानी है वो यहाँ तक मेरे गांव तक आ रहा था। ये देखो पूरा बाढ़ का पानी अभी तक भरा हुआ है, और वो आगे बाइक दिख रही है। पापा देखो आगे बाइक से अब तक वहाँ पहुँच गए। गांव में आके बहुत अच्छा ही फील आता है, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांति लगती है। शहर में रहो दिन भर काम मेरी शोर शराब, यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा है, मज़ा ही आ रहा है घूमने। आज अपनी मस्त वाली ऑफ रोडिंग चल रही है, पूरा गाँव खेत सारे ही घूमे जा रहे हैं। ये तो मैं रास्ता भी नहीं मिला, आधी जगह पानी भरा हुआ है। एक बार ये देखो पूरे खेत कितने मस्त लग रहा है, ये देखो। सो गाइस मैं अपने गांव पहुंच चुकी हूं, अभी टाइम देख सकते हो आप लोग 2:30 बज रहे हैं, और 2:20 पर मैं यहां पहुंच गई थी। फाइनली ताऊ ताई से मिलती हूं, और ये जो बैकग्राउंड में आप घर देख रहे हैं ये हमारा गांव वाला घर है। आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है, गांव की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पर मेरे बाबा पहले रहा करते थे, बट फरखाद जब से घर बने हैं तो सारे लोग वहाँ रहते हैं, और यहाँ पर मेरे ताऊ जी और ताई जी रहते हैं। घर देख लिया हम लोगों ने, तो अब चलो चलते हैं खेत देखने के लिए। वो ट्रैक्टर देख रहा है, वो रहा हमारे सामने खेत, और अब हम चलते हैं अपना दूसरा वाला खेत देखने के लिए। फटाफट से बाइक से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बाइक से आगे जा ही रहे थे कि हमारे गांव के जो बाबा हैं वो मिल जाते हैं, शंकर साय बाबा, और ये हमारे गाँव के प्रधान थे पहले। तो रास्ते में मिल जाते हैं तो इनसे थोड़ी बहुत कुछ बातें कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी काफ़ी टाइम मिली थी बाबा से, उन्होंने हाल चाल लिए, सब कुछ बातचीत ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आते थे खेत पर। अभी हम लोग घर से देखो वापस आ चुके हैं, और अभी हम अपने खेत देखने जा रहे हैं। अभी रास्ते में पड़ा था खेत, और दूसरा खेत अभी देखने के लिए जा रहे हैं। सोचा आए हैं तो सारे खेत ही देख लें जाके। एंड अभी टाइम देखो एक बार आप, 3:30 बज रहे हैं। तो चलो अभी अपने सारे खेत मैंने देख लिए हैं, जो पीछे जो खेत था वो हमारा खेत था, और उधर अभी इस टाइम ना खेत में गेहूँ वगैरह बोए जा रहे हैं, और कोई फसल खेत में हुई नहीं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी अभी इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना। अब जो थोड़ा बहुत खेतों में पानी सूखा है तो बस गेहूँ की फसल बोई जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ
गांव से ही गेहूं और चावल आते हैं वहां घर पर। चलो चलते हैं हम।